हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता लगता रहे। अपन AM, GM, HM पढ़ रहे थे, उन पे क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस में अपन ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 के 2 क्वेश्चन अपने बाकी है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, प्रूव दैट ए ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 3√3। फ्रेंड्स, अपने को कह रहा है कि 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 3√3 होगा, तभी ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखें, अपन इसको प्रूव करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 10A + 10B + 10C, मैं इसको यहां लिखता हूं कि 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 3√3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हुआ अपना 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 3√3। अब अपन सोचना स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहां पे टेन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं। आप कहोगे सर क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, आपको ग्राफ सारी याद होनी चाहिए। ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, एंड ये 0 हो गया, एंड ये 135 हो गया। ये 10 का ग्राफ बना दिया अपन ने। देखिए फ्रेंड्स, अपन क्या करते हैं, ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सबसे पहले तो ये पता करते हैं, क्या ये अक्यूट होंगे एंगल, ये तीनों एंगल AB और C अक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूस होंगे। तो मैं क्या करता हूं, ए एंगल को मोर देन 90 मान लेता हूं एंड बाकी दोनों को लेस देन 90 मान लेते हैं, जो भी जितने भी एडजस्टेबल हो। ये ग्रेटर देन 90 हो गया फ्रेंड्स, ये ग्रेटर देन 90 हुआ। तो अब अपन क्या करते हैं, सपोज ग्रेटर देन 90 का सोचते हैं, तो 90 से जस्ट ग्रेटर पे ये वैल्यू जाती है माइनस इनफाइनाइट की ओर। 90 से जस्ट थोड़ा सा आगे चले तो ये कहां गई, माइनस इनफाइनाइट की ओर। तो माइनस इनफाइनाइट में इन दोनों को भी ऐड करें तो भी माइनस का क्वांटिटी आएगी, 3√3 कभी भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता बढ़ता इसको 135 पे लेके जाऊं। सपोज ये एंगल हो गया A 135, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो अब अपने पास एंगल टोटल कितना बचा, 45 बचा है। तो यहां पे ये हाफ एंड हाफ भी होंगे तो भी इनका सम मिला के 3√3 नहीं होगा। सपोज अपन चलते चलते 180 के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए, ये एंगल जस्ट 90 से बड़ा, 90 से काफी बड़ा, एंड 180 से जस्ट लेस हो, लेस देन 180, फिर भी इसकी वैल्यू -1 से 0 से जस्ट इधर रहेगी, तो बाकी वैल्यू क्या रहेगी, ये जस्ट 0 को अप्रोच कर जाएंगे, फिर भी ये 3√3 नहीं होगा। तो इसको 3√3 होने के लिए पहली कंडीशन है कि ए को अक्यूट होना है, बी को भी अक्यूट होना है और सी को भी अक्यूट होना है। तो अक्यूट तो इनको होना ही पड़ेगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इनको सबको क्लियर करता हूं। अपने पास यहां से निकल के चीज सामने क्या आई कि ABC क्या है, अक्यूट एंगल है, बस यही अपने लिए खूब है। ABC अक्यूट है तो 10A 10B 10C क्या हो गए, पॉजिटिव। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अपने मन से कि 10A 10B और 10C आर पॉजिटिव नंबर्स। 10A 10B 10C आर पॉजिटिव नंबर्स आ गए। फिर सेकेंड चीज अपने पास, फर्स्ट चीज ये निकल के आई, सेकेंड चीज निकल के आएगी A + B + C इज इक्वल टू पाई है। अपन ने कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी है कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी, तो अपन को वहां से क्या रूल पता है कि 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू क्या होता है, 10A 10B 10C होता है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3√3 है तो ये वाला भी क्या होगा, 3√3 होगा। ये कंडीशनल आइडेंटिटी से पता लगी। तो ये दो चीजें अपन को पता चल चुकी है, फर्स्ट अपन ने पता करी, दूसरी अपन को कंडीशनल आइडेंटिटी से पता लगी। अब फ्रेंड्स, AM GM पढ़ रहे हैं, अपने को ये पूछा है तो AM GM ही लगा के देखते हैं क्या निकलता है। AM GM लगाते हैं अपन, तो M > GM लगाते हैं। तो यहां से कंसेप्ट क्या बना कि 10A एक नंबर है, 10B दूसरा नंबर है, 10C तीसरा नंबर है, पॉजिटिव है, डिवाइड बाई 3। तो 10A + 10B + 10C 3 नंबर्स है, डिवाइड बाई 3 करा तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, इसका सिंगल AM आ गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, सिंगल GM से, किसके, 10A·10B·10C। पावर क्या लगी, 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1/3 पावर लगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां से क्या हुआ, 10A + 10B + 10C इसकी वैल्यू है 3√3, यहां पुट किया 3√3 अपॉन आया 3, समझ आया, यहां था 3√3, 10A + 10B + 10C यहां पुट किया, डिवाइड बाई 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 10A 10B 10C क्या वैल्यू होती है, 10A 10B 10C की, ये रही 3√3 पुट किया। नाउ यहां पावर क्या है, 1/3। 3 से देखो फ्रेंड्स, 3 गया, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, क्यूब इधर क्यूब इधर, तो √3 यानी 3 की पावर 1/2 इस पर क्यूब किया यानी 3, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर क्या आया, 3√3। फ्रेंड्स क्या निकल के सामने आया रिजल्ट,
कि ये वाला क्या बन रहा है, थ्री रूट थ्री, मतलब आया थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री। इक्वेलिटी होल्ड कर चुकी है फ्रेंड्स, क्या कर गई, इक्वेलिटी होल्ड। और अपन ने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है कि इक्वेलिटी होल्ड कब करती है, इक्वेलिटी होल्ड तब करती है जब ये वाला एंड ये वाला नंबर्स क्या हो जाए, इक्वल। तो अपने पास कंसेप्ट क्या निकल के सामने आया, 10a इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू 10c, इक्वेलिटी होल्ड करिए फ्रेंड्स। और ये पोजीशन कब पॉसिबल है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, और a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, 60 डिग्री, यानी ट्राइंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलेटरल। इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तभी ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नोट डाउन करें, चलो। तो फ्रेंड्स अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है ये आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन अपने को बोल रहा है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, पहली कंडीशन मिली। सेकंड कंडीशन क्या मिली, आपकी इनइक्वलिटी दे रखी है, आपको ये वाली इनइक्वलिटी दे रखी है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स। क्या कंसेप्ट निकलेगा कि ए एम जी एम एच एम, क्या कंसेप्ट निकलेगा, ए एम जी एम एच एम वाला कंसेप्ट लगेगा। और कैसे लगेगा तो देखें फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऐसे लगेगा, यहां पे अपन को प्लस दे रखा है तो प्लस देते ही अपन को पता चला फ्रेंड्स यहां क्या लगेगा, एम तो पक्का लगेगा, और मल्टीप्लीकेशन भी हो रखा है क्योंकि वो गायब हो रखे हैं इसलिए जीएम भी पक्का लगा है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का कंसेप्ट लगेगा। इसको ब्रेक कैसे करेंगे तो उसके लिए अपन ध्यान देते हैं, मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट कब होगा, जब यहां ए क्यूब है यहां ए है, तो इसको कितने टाइम्स आना है, इसको थ्री टाइम्स आना है, तभी तो ये ए क्यूब कैंसिल आउट होगा। थ्री टाइम्स आने के लिए साथ साथ सी पे भी फोकस करते हैं, C यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे C सिंगल है, तो C को यहाँ पे ऊपर कितनी टाइम्स आना है, C को आना है टू टाइम्स, जिससे ये C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको ही तोड़ते हैं, C बाई अपन इसको करते हैं 3A, सॉरी C बाई 4A प्लस C बाई 4A, क्योंकि C को मुझे टू टाइम्स लाना है, वापस इसका सम होना चाहिए C बाई 2A, तो C बाई 4A C बाई 4A में टूटेगा, प्लस 1 अपॉन 2A अपन को गिवन है, 1 अपॉन 2A। देखें ये मल्टीप्लाई होंगे, ए क्यूब आएगा कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई सी स्क्वायर आया कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बी है यहां पे बी है, मतलब इनको सिंगल सिंगल टाइम्स आना है, तो ये फ्रेंड्स ए क्यूब अपॉन 4B प्लस बी अपॉन 8C स्क्वायर प्लस, ये अपना बना पूरा डिजिट को अपन ने इसको जो ये नंबर्स दे रखे थे इनको ब्रेक कर दिया, कितने नंबर्स में ब्रेक किया, 5 नंबर्स में, तो डिवाइड किससे करेंगे 5 से, तब इसका क्या आ जाएगा एम आ गया, तो ये एम आ गया, एबीसी पॉजिटिव थे तो ये सारे भी क्या होंगे पॉजिटिव, तो 5 पॉजिटिव नंबर्स का एम अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, जीएम से, जीएम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके पावर क्या लगाएंगे 1/5, तो यहां क्या आ जाएगा जीएम। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो अपन को पता है देखो ए क्यूब किससे गया, ये ए ए एंड ये ए एंड सी स्क्वायर किससे गया, इससे एंड इससे, बी किससे गया, इससे इससे, तो इन सबको मल्टीप्लीकेशन यहां लिख दो 1/2 यहां से क्या आएगा 2^2, यहां से क्या आएगा 2^3, एड करते जाएं, यहां से क्या आएगा 2^1, यहां से क्या आएगा 2^2, यहां से क्या आएगा 2^2, टोटल 2 × 2 = 4, 5, 3, 8, 10, तो 2^10। फ्रेंड्स वापस देखें, मैंने क्या करा, मैंने इसको ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, मुझे पता लगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लग रहा है, कौन सा लग रहा है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये कंसेप्ट लग रहा है। देखो ए था यहां ए क्यूब था, तो इसको ब्रेक करना है अपने को थ्री टाइम्स आना चाहिए, सी स्क्वायर था सी था, यानी सी को टू टाइम्स आना है, तो सी बाई 4A सी बाई 4A वापस सी बाई 2A, 1/2A को सिंगल लिख दिया, मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ए क्यूब गया, सी स्क्वायर से गया, बचा कौन बी एंड बी, ये सिंगल सिंगल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको सिंगल इनको सिंगल ब्रेक नहीं करना, 1/2A को डायरेक्ट, और सी को ब्रेक कर दो टू पार्ट्स में, ब्रेक कर दिया डिवाइड बाई 5। अब यहां पे जब मल्टीप्लाई होंगे तो सारे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, तो 2² 2² 2 2³ एंड 2² सारा पावर एड किया तो 2^10 हो गई, और 2^5 देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को 5 से डिवाइड किया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो फ्रेंड्स क्या आया 2^10/5, यानी ये हो गया 1/ क्या हो गया फ्रेंड्स 1/ ये हो गया 2^2, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें मैं इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिख के, मैं डायरेक्ट क्या यहां लिख दूं ऐसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4।
अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो ये वाले पार्ट्स थे, ये वाला पार्ट्स तो इधर ही रहेगा, अपॉन में था 5, ये 5 उधर जाएगा, तो यहां क्या बन गया 5/4। और यहां कौन सा पार्ट लिख दे, वापस जब इनको सम करेंगे इन सबको तो ये वाला ही पार्ट आ जाएगा, तो मैं यही पार्ट लिख देता हूं, a³/4b + b/8c² + 1 + c/2a, क्योंकि इनको वापस सम करने पे ये वाला ही पार्ट आएगा। एज इट इज लिख दिया, 5 जो नीचे था उसको उधर भेज दिया अपन ने, ये 5 जो नीचे था उसको उधर भेज दिया, तो 5/4, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 प्रूव हो गया। नोट डाउन करें तो फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये पार्ट अपन यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन नई चीजें सीखेंगे।